प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना को कैबिनेट की मिली मंजूरी। योजना के तहत 6000 करोड़ रुपए का प्रस्ताव, 1,70,000 युवाओं को रोजगार के अवसर होंगे उपलब्ध। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की केंद्रीय मंत्रिमंडल के निर्णयों की सराहना। कहा, रेलवे परियोजनाओं के अनुमोदन से बुनियादी ढांचे में होगा सुधार, साथ ही वाणिज्य के साथ साथ संपर्क सुविधा भी बढ़ेगी। पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह और हरित क्रांति के जनक एमएस स्वामीनाथन को भारत रत्न देने की घोषणा। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया के माध्यम से साझा की जानकारी। कहा, विशिष्ट विद्वानों और राजनेताओं ने अपने उत्कृष्ट कार्यों से की देश सेवा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नई दिल्ली में ICARIRA के 62वें दीक्षांत समारोह में रही मौजूद। केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने की समारोह की अध्यक्षता। संसद ने जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण के संशोधन विधेयक को किया पारित। संशोधन में आपराधिक प्रावधानों को तार्किक बनाने और सुनिश्चित करना है प्रस्ताव का उद्देश्य। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने 7वें हिंद महासागर सम्मेलन को किया संबोधित। थाई और सतत हिंद महासागर की ओर है सम्मेलन का विषय। सम्मेलन में 22 देशों के मंत्री, 16 देशों के वरिष्ठ अधिकारी और 6 बहुपक्षीय संगठनों के प्रतिनिधि हुए शामिल। फिजी के उप प्रधानमंत्री बिपान प्रसाद बने अयोध्या में राम मंदिर आने वाले पहले विदेशी नेता। कहा, श्री रामलला का मंदिर फिजी और भारत के संबंधों को करेगा मजबूत। अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में पहुंचा ऑस्ट्रेलिया। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच अब रविवार को होगा फाइनल मुकाबला।